आपको हम दो आंकड़े देना चाहते हैं। 2008 में द टोटल एडवांस गिवन बाय द बैंक्स वॉज 18.6 लाख करोड़। देश के बैंकों ने जो एडवांस दिए थे लोगों को, ये 18.6 लाख करोड़ था। यूपीए शासन के 6 साल में, इसको नोट करिए, मार्च 2014 में ये बढ़कर 52.15 लाख करोड़ हो गया। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि मैं एनपीए को पूरा समझूंगा और देश को बताऊंगा कि एनपीए में क्या क्या घोटाले हुए हैं। नाउ द स्ट्रेस एसेट्स हैज रिजन टू 82% आउट ऑफ द एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि कई बार बैंकों के रिकॉर्ड्स में सही चीजें नहीं आने दी गई यूपीए की सरकार में। यह हमारा कहना आपसे। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे और एक सुपर अर्थशास्त्री उनके वित्त मंत्री थे। कांग्रेस की सच्चाई यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी एनपीए नहीं होता जो 4 साल में लोन दिया गया, और यूपीए की सरकार में एडवांसेस बढ़े, रिकॉर्ड्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हुए और 36% का स्ट्रेस्ड एसेट, सही में 82% निकला।